तुनिशा खुदकुशी मामले की जांच कर रही वाली पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिलती दिख रही है। कल उसने आरोपी सिजान खान की 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत ली। एक तरफ जहां सिजान खान से पूछताछ चल रही है, जो उसके फ़ोन से डाटा रिट्रीव किए गए थे उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, दूसरी तरफ वालीव पुलिस तुनिशा शर्मा की माँ वनिता शर्मा, उनकी मौसी और मामा पवन शर्मा से का बयान यहाँ पर दर्ज कर रही है। दरअसल हमें बताया गया था कि इनको वालीव पुलिस थाने में बुलाया गया है, लेकिन वालीव पुलिस थाने में न बुला के एक अज्ञात जगह पर ले जाकर बयान दर्ज करने की बात सामने आई थी। अब पता चला है कि इस जो वालीव पुलिस थाने के अंतर्गत ही जो ये चौकी है, उस चौकी में फिलहाल उनका बयान चल रहा है। तीनों का लगभग 2 घंटे हो गए हैं, अब सभी का बयान दर्ज किया जा रहा है। दरअसल ये बयान बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि पहले जो बयान दिया गया था वो बहुत ही फौरी तौर पर बयान था। जब हादसा हुआ था उस दिन तो बहुत ज़्यादा बता नहीं पाए थे और परिवार सदमे में था, लेकिन अब काफ़ी दिन बीत गए हैं, अंतिम संस्कार हो चुका है तुनिशा का, और कुछ ऐसी बातें भी उभर कर परिवार की तरफ से आई है जो कि कहीं ना कहीं मामले को दूसरे एंगल की तरफ ले जाती है। इसीलिए पुलिस चाहती थी कि इनका बयान एक बार फिर से दर्ज किया जाए ताकि जो भी परिवार के मन में शंका हो उस एंगल से भी जाँच की जाए और किसी ठोस नतीजे पर पहुँचा जाए। बहरहाल पुलिस अभी तक इस मामले में 23 से ज़्यादा लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है, बहुत सारे पंचनामा और दूसरी जानकारी भी निकाल चुकी है, डाटा रिट्रीव कर चुकी है, और लेकिन उसमें जो हैरान करने वाली जो बात उभर कर आई है वो ये कि सिजान के फ़ोन से उसकी जो पूर्व गर्लफ्रेंड थी उसका जो चैट है वो डिलीट कर दिया गया है। तो वो क्यों डिलीट किया गया, उसमें क्या था, ये अहम जानकारी इकट्ठा करना है पुलिस को फिलहाल। और दूसरी बात है, परिवार अब कुछ नई जानकारी देता है, जैसे कि लव जिहाद एंगल की बात आ रही है, उस संदर्भ में अगर कुछ बताता है तो उस तौर पर भी आगे जाँच करनी है और जाँच करके किसी न किसी नतीजे पर पहुँचना है, क्योंकि कल जो है सिजान की पीसी यानी पुलिस हिरासत समाप्त हो रही है, उसके पहले कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर पहुंचना वाली पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। वसई से कैमरामैन अशोक महाड़ी सा सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।